टेक्सास के यहूदी उपासना गृह में बंधक बनाने की घटना के बाद एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आफिया सिद्दीकी कौन है। फेसबुक पर उपासना गृह में शब्बत मॉर्निंग सर्विस का लाइव स्ट्रीम शुरू होने पर एक व्यक्ति के जोर से बात करने का ऑडियो कैप्चर हुआ है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार बंधक बनाने वाले ने पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की है। आफिया सिद्दीकी को लेडी अलकायदा के नाम से भी जाना जाता है। वह एक पाकिस्तान की नागरिक है। आफिया सिद्दीकी को 2010 में न्यूयॉर्क सिटी फेडरल कोर्ट ने अमेरिकी सैन्यकर्मियों को मारने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था। वे वर्तमान में टेक्सास के फोर्ट वर्थ में फेडरल मेडिकल सेंटर कार्सवेल में 86 साल की सजा काट रही हैं। सिद्दीकी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी एजेंडों सैन्य अधिकारियों को मारने का प्रयास किया था। साथ ही अमेरिका में रह रहे पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी को मारने की साजिश रचने का भी आरोप है। उसे 2011 में सामने आए मेमोगेट स्कैंडल के मुख्य संदिग्ध के रूप में भी जाना जाता है। मेमोगेट स्कैंडल 2011 में तब सामने आया जब पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी मंसूर एजाज ने दावा किया था कि तत्कालीन यूएस ज्वाइंट चीफ चेयरमैन एडमिरल माइक मुलेन के लिए हक्कानी से एंटी आर्मी मेमो मिला था। सिद्दीकी 2018 में उस वक्त खबरों में थी जब इस्लामाबाद और वॉशिंगटन डीसी के बीच चिकित्सक डॉक्टर शकील अफरीदी की अदला बदली करने के लिए एक सौदे की खबर सामने आई थी, जिन्होंने 2011 में आफिया के साथ अलकायदा के पूर्व नेता उसामा बिन लादेन को ट्रैक करने के लिए भी अमेरिका की सहायता की थी। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के अनुसार टेक्सास के कोलीविले में बेथ इसराइल कांग्रेगेशन में कम से कम 4 लोगों को बंधक बनाया गया है। बंधकों में एक रब्बी भी शामिल है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।